बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दलितों और कमजोर वर्गों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें अधिकांश दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी इस मामले में चुप है और अब केवल मुस्लिम वोटों के लिए सावधान रहो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में चुप है और अब केवल मुस्लिम वोटों के लिए सावधान रहो चिल्ला रही है। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक इस मामले में एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाएं और शोषण का शिकार हो रहे दलित समुदाय के लोगों को राहत दिलाने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरी हो तो बांग्लादेश की सरकार से बात करके इन लोगों को भारत वापस लाने की कोशिश की जाए। मायावती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बांग्लादेश में दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब केंद्र सरकार को इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ज्यादा दुख की बात ये है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बाहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है, या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए।